नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों और ठीक होने वालों का आंकड़ा लगभग बराबर हो गया है। फिलहाल 49% एक्टिव केस है, जबकि इतने ही लोग स्वस्थ हो चुके हैं। करीब 2% लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। मरीजों के स्वस्थ होने की रिकवरी दर की बाकी राज्यों से तुलना करें तो दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जांच और मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फिलहाल 6,617 संक्रमित मरीज उपचाराधीन है, जबकि 6,540 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 13,418 हो गया है। बीते 6 दिन में दिल्ली में औसतन 550 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कोरोना वायरस के ज्यादातर मरीज बिना लक्षण वाले मिल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से 7% ज्यादा है। दिल्ली सरकार इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। दिल्ली हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब तक 1,69,000 सैंपल की जांच हो चुकी है। राजधानी में 10 लाख की आबादी में 8,573 लोगों की जांच हो रही है, जिनमें से 677 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। दिल्ली में 10 मई तक कोरोना के कारण 73 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि डेथ ऑडिट कमेटी और अस्पतालों को सख्त आदेश देने के बाद बीते 14 दिन में दिल्ली सरकार 188 लोगों की मौत दर्ज कर चुकी है। दिल्ली में अब तक 261 लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत खबर।